अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मेरे पास ये एक F1 F2 ग्रीन गो 2 का रिसीवर है न्यू सेट के नाम से। इसमें फॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हो तो ना तो इसकी रेड लाइट शो होती है और ना के और कोई चीज़ लिखाई वगैरह। तो आज हमने इसका फॉल्ट क्लियर करना है कि इस हमारे रिसीवर में क्या पावर सप्लाई की तरफ से फॉल्ट है या फिर इसके कार्ड की तरह से फॉल्ट है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदसर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमी टी वी। तीन दोस्तों ने अभी तक अमी टी वी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल के बटन को दबा दे ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। रिसीवर मैंने ओपन कर दिया है तो अब हम इसके जो वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं कि पावर सप्लाई हमारी वोल्टेज दे रही है कि नहीं दे रही। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी पावर सप्लाई कोई वोल्टेज नहीं दे रही। तो आप हमारे जो फॉल्ट है इस पावर सप्लाई में फॉल्ट है। तो जब भी हमारे ये पावर सप्लाई में फॉल्ट आता है तो इसकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ख़राब होती हैं अगर इसको देखा जाए तो इसकी ये जो एक फ्यूज नुमा रेजिस्टेंस है सेफ्टी है ये फट चुकी है, ख़राब हो चुकी है। और उसके बाद जो कॉमन फॉल्ट आते हैं उसके बाद इसका ये PF ख़राब हो जाता है और इसके आगे इसके ये जो चार डायोड इनमें से अक्सर दो डायोड ख़राब हो जाते हैं, चार भी ख़राब हो सकते हैं। तो पहले तो ये हमें जो इसकी रेजिस्टेंस है ये ख़राब नज़र आ रही है, इसको भी चेक कर लेते हैं और इसके आगे इसके डायोड को भी चेक करते हैं कि कौन कौन सा ख़राब है। मीटर को हम बजर के ऊपर कर लेंगे और वन बाय वन इसकी सभी चीज़ें चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी रेजिस्टेंस ख़राब है, इसके आगे ये इसके डायोड है, ये इसका डायोड ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसका ये दूसरा, तो ये आप देख सकते हैं इसका जो ये दूसरा डायोड ये शॉर्ट है, इसके आगे ये डायोड भी ठीक है और ये भी डायोड इसका ठीक है। तो ये दोनों इसके ठीक हैं, तो इसका ये वाला डायोड ख़राब है और ये इसका सेफ्टी फ्यूज ख़राब है। अब हम इस डायोड को दोबारा भी चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये भी शॉर्ट है। अब हम डायोड लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सप्लाई के ये एक फ्यूज और ये डायोड मैंने लगा दिया है, ये फ्यूज मैंने लगा दिया है और ये वाला डायोड लगाया है। तो अब हम इसकी मुकम्मल फिटिंग करते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही पावर सप्लाई के वोल्टेज आए हैं पावर सप्लाई हमारी ठीक हो चुकी है और हमारा रिसीवर मुकम्मल ऑन हो गया। 9 नंबर के ऊपर इसका चैनल है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।